प्रदेश में कोरोना महामारी एक बार फिर कहर बरपाने लगी है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गया है। इसी कड़ी में कैथल जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना जांच बढ़ा दी है। कैथल में आज सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों व बाजार में दुकानदारों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए गए। सीटीएम सुरेश रावत ने कहा कि जिस तरीके से दोबारा कोरोना का कहर बढ़ गया है, इसलिए कैथल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। रोजाना हमने 1000 कोरोना वायरस के जांच के लिए सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा है। इससे ये पता लग जाएगा कि हमारे जिले में इसका प्रभाव कितना है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और मास्क ना पहनने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोबारा से जो है सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई गई है। हमने ये टारगेट रखा है कि प्रतिदिन 1000 प्लस हम जो है सैंपलिंग करें। इसके लिए हमने जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं हमारे, चाहे वो LIC है या इसके अलावा जो मेन रोड की मार्केट्स हैं, उनमें हम सैंपलिंग डॉक्टर्स की टीम द्वारा करवा रहे हैं, जिसके तहत छात्रावास रोड में और आज LIC के ऑफिस में भी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। तो आज लगभग 600 के करीब सैंपलिंग अभी तक हो चुकी है। तो प्रशासन का यही ध्येय है कि कम से कम 1000 प्लस की हम जो है टारगेट रखें और सैंपलिंग करके समय से हम ये पता लगा सकें कि कौन व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, ताकि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको रोका जा सके और संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। देखिए, सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अब हमने चालानिंग को दोबारा से सख्ती से लागू किया है। बाजार के एरियाज में नाकों पर जगह जगह जो टीमें हमने गठित की थी, उनको निर्देश दिए गए हैं कि चालानिंग ये इंश्योर करें यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता तो जो मास्क का चालान है उसका वो बने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, सैनिटाइजर वगैरह मार्केट में अवेलेबल हो। भीड़ भाड़ के इलाकों में विशेष तौर पर टीम जा करके इस चीज़ में इंश्योर कर रही है। हमारा मकसद केवल चालान काटना नहीं है, हम जागरूक भी लोगों को बार बार विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं, परंतु यदि फिर भी कोई व्यक्ति लापरवाही बरतता है तो प्रशासन उसमें सख्त कार्रवाई उठा रहा है और चालानिंग कर रहा है। CTM सुरेश का साफ कहना है कि हम नहीं चाहते कि किसी का चालान किया जाए, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हम अपील करते हैं कि जब भी बाहर निकलें मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के CTV, चंडीगढ़।